नाट्य निर्देशक श्री रामानंद सागर जी से और उनका अनुसरण करने की चाह में बना डाली एक ऐसी रामायण जो उसके मूल रूप से बिल्कुल ही भिन्न थी। तो आइए देखते हैं क्या है इस मॉडर्न रामायण में जो शुरू होती है माता सीता के स्वयंवर से। धन्यवाद। आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास में पहली बार मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर कौन बनेगा करोड़पति की ताज पर। सीता देखो इसकी बुलबुले बुलबुले मंदिर के बुलबुले उसे देखो आ जाके बैठ जाओ। तो हम शुरू करते हैं अपना खेल। आज के हमारे प्रतिभागी हैं रंगा लैब्स के सीईओ श्री रामायण। आज के हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री राम। किसका है कि तुमको हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सीता का पति कौन है कौन है कौन है? तो ये है हमारे जवाब। आप लोगों ने जवाब दिया है सीता का पति मैं हूं जो कि गलत जवाब है क्योंकि स्वयंवर पति कहां से आएगा और राम ने कहा है कि सीता का पति मैं नहीं हूं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। कौन है मुझे नहीं पता जो कि बिल्कुल सही जवाब। तो आइए हम खेलते हैं अपना फाइनल राउंड राम और रावण के साथ। तो फाइनल राउंड के लिए आपका सवाल आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं कितनी है? पांच यार पांच। ओ राम अपना जवाब बताओ। और मेरा जवाब इस टाइगरों के हाथ में छुपा हुआ है और मेरे हाथ में है उंगलियां चार। ओ बिल्कुल सही जवाब क्योंकि एक तो अंगूठा है। तो क्योंकि राम है स्वयं सीता तो उसी को मिला लालिता आई मीन सीता सीता। और मैं भी सीता। अब हम चलते हैं अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या नगरी में जहां दशरथ जी और देवी माता कुछ बातें कर रहे हैं। प्रिय काफी वक्त से मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है। सुन नहीं रही हो तुम ये फोन भी इंसान को बहरा बना देता है। प्रिय अपने रिटायरमेंट के आखिरी वक्त में मैं चाहता हूं कि अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ राम को बना दूं। क्या लगता है आपको बुढ़ापे का असर हो गया है? अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं इनिशिएशन के टाइम जब मैंने आपकी हेल्प की थी तो आपने
हमारे इस अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड को कौन संभालेगा? हमारा पुत्र भरत है ना, अब उसे यहाँ का सीईओ बना देना। भरत, तुम्हें लगता है कि भरत हमारे इस अयोध्या प्राइवेट लिमिटेड को संभाल लेगा? हमारे स्टेक होल्डर पागल हो जाएंगे। हमारा शेयर कितना डाउन हो जाएगा? क्या होगा हमारे कंपनी के रेपुटेशन का? कुछ तो सोचो प्रिय, कुछ तो सोचो। अगर आपके स्टेक होल्डर्स को ये पता चले कि उनके एक सीईओ ने अपना प्रॉमिस ही नहीं पूरा किया तो आपकी क्या रेपुटेशन जा जाएगी? ठीक है, ठीक है, अगर तुम समझती हो कि यही सही तो भेज दो नाम को इंडिया, बना दो भारत का सीईओ। जब दिल एक टूट गया, जब दिल एक टूट गया, कौन जी के क्या करे। भैया राम, कोई ने 14 साल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज दिया है। 14 साल के लिए? आइए भैया, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तो चिंता मत कर, जाना साथ जुड़े होंगे। अच्छा ठीक है। और ये तो पूछो कहाँ मिल जाए? अगर कहाँ बेटा? एनीआर। एनीआर। Oh my God। और कहाँ? ताजा बंदा। मैं राम हूँ राम। अब ना पिताजी की आज्ञा मानूंगा। अरे लक्ष्मण, ये जीते। बस्ता रहना और चलो एनीआर। भैया मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मैं जरा तप्पी मार के आता हूँ। जाओ लक्ष्मण जाओ। तब क्या कर रहे हैं? आपके पहाड़ों और जंगलों में
मैं घुमा के लाता हूँ। फेसबुक पे ना रावण ने लिख रखा है मैंने उसे किडनैप कर लिया और आपको टैग भी किया है। अब मुझे टैग
किया, एक काम कर, लाइक कर और कमेंट कर कि आया है राम, अभी सीधा बोले ना जय श्री राम, जय श्री राम। चलो हनुमान तुम्हारी भाभी को लेके आते हैं। ओए मैं बाइक निकालूं कि फरारी से चलते हैं। अबे बाइक फरारी जो अब छोड़ के चलते हैं। हनुमान जी आप ही को कुछ करना होगा, क्यों ना आप अपनी पूंछ से श्रद्धा को आग लगा दीजिए। ओए बुढ़िया ये मेरे से नहीं होगा। क्या पापे जी क्यों नहीं होगा? ओए मेरी पूंछ रु दर्द है यार। अरे क्या हो गया? आयोडेक्स बोलिए, काम पे चलिए। अबे चुप करो तुम बकवास। और हनुमान एक काम कर, तू अंदर जा देख करा वहां हो क्या रहा है। आ लक्ष्मण करू, आ लक्ष्मण। जय श्री राम। वो तेरा राम, उसने सीता स्वयंवर में मेरी बेइज्जती की, मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके भाई ने मेरी बहन की नाक काट दी, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। अब तुम सब मेरे सर पे आ गए, अब भी चुप बैठू, देख लूंगा सबको, नहीं छोड़ूंगा। ओए ऐसे चलाना आगे मर जाएंगे, पर सीता भाभी को लेके जाएंगे। ओए 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 तू तो सीरियस हो गया यार। अरे सुन यार, दिल पे मत ले, कोई मारना मरना नहीं। एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। गेम? कैसा गेम? हाँ गेम खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी? हाँ। ये कौन सा गेम होता है? अरे बस खेलेंगे, कुछ समझ जाएगा और जो जीता सीता उसकी बस। जा बता दे अपने राम से, बता दे। ओए रामचंद्र, ओए मेरी गल सुनियो यार। ओए रावण तो बड़ा सोना निकला यार, कह रहा सीता भाभी को ले जाना है तो लुका छुपी का गेम खेलना पड़ेगा। लुका छुपी? अरे मेरे पास एक तरकीब है, इधर आओ। घुसर 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 घुसर, एक बार और घुसर घुसर। ये देखो जादुई सिक्का। ओए ये तो जयपाजी का सिक्का है। कौन जयपाजी? सोले वाले जयपाजी। जानी चिट्ठी मेरी पट्टी मेरी। और आओ रावण कहाँ है तू, बात कर। ओए हम आ गए। कौन है? मेरे पर जा। आ जाओ ओए, आ जाओ राम, हो जाए लुक्का छुपी। हाँ ठीक है, अब हम एक टॉस कॉइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये कौन सा गेम है यार? टॉस कॉइन करेंगे और जो हारा उसके हम पट्टी मांगेंगे। अरे कर 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 रहा हूँ, नहीं हारता कभी। ठीक है, चिट हम जीते, पट्टू हारा। ओके ओके। अबे क्या बोला, पेपू बना रहे? दोनों तरफ से मैं ही हारू? अच्छा पट्टू हारा चिकन जीते। अबे वो तो बड़ा शाना है, राम का भाई नहीं, फिर से पेपू बना रहे ना। हाँ चिट हम जीते पर तू हारा, यही है, यही ऐसी चीज है हमेशा। अबे फिर से बेवकूफ बना रहा है क्या? मेरे बेवकूफ समझाए? अच्छा सर है मेरे, हेड आया तो दिखते नहीं बात है ना। हेड आया तो हम जीते, फिर पटेल आया तो जीत गया बस। हाँ आप सही बोला। We'll be right back.
यू भाई, खेल की राहत और मस्ती से भरपूर, और भी बताना चाहते थे। अक्सर मनुष्य रूपी रावण सच्चाई रूपी राम की खोज में आंखें मूंद कर पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु सच्चाई और अच्छाई के प्रति प्रभु श्री राम हमारे हृदय में विराजमान है। और कभी दास जी ने भी सही ही कहा है, मौको कहां ढूंढे हैं बंदे। Thank you.